लाल लाल चटनी, बिल्कुल लाल खूंखार, ये मोमोज की चटनी है एकदम। आप ये कह सकते हैं फेरी पास्ता बनने जा रही है अपना। जैसे गाइस चप्पू से नहीं चलाते, आप किसी नाव में बैठे हो और आपको दोनों हाथ से कंपटीशन कर रहे हो, चप्पू चला रहे हो वैसे ही हमें लग रहा है। हम देखो मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन हमें वो फील आई तो बस हमने सोचा वो एक थोड़ा सा किस्सा शेयर कर ले आप लोगों के साथ। फूड देसी स्टाइल पर आता, कुछ भी कह लीजिए आप, कितना ही अपने देखो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट या होटल से पास्ता खा लो, लेकिन स्ट्रीट साइड और देसी चीज़ की ना मतलब तोबा तोबा बात ही अलग होती है। सो व्हाट्स अप फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूड शेड मेनिया। तो गाइज आज हम आपके सामने एक बार फिर से करोल बाग आ चुके हैं। गाइज आज करोल बाग आने की ना देखो कुछ स्पेशल वजह है, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो गाइज हमारे अंदर थी आस्था हम एक दिन जरूर खाएंगे आंटी का पास्ता। देख भाई पीछे दिखा, देखे गाइस ये है गाइस स्टॉल है इनकी, ये आंटी का पास्ता। यहाँ पर आप एक बार भीड़ भी देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर गाइस आपको हाफ प्लेट फुल प्लेट मोमोज पास्ता भी मिलेगा गाइस। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर मोमोज ही मिलेंगे, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, फ्राइड मोमोज, गाइस वैरायटीयां बहुत सारी है। लेकिन अगर यहाँ पर फेमस जो चीज़ है गाइस वो है पास्ता। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के ना हम अंदर चलते हैं, आपको पास्ता की मेकिंग दिखाते हैं और टेस्ट बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और गाइस कमेंट सेक्शन में भी बताएं आप यहाँ पर आए हो तो आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा, या ऐसा ही कुछ टेस्ट और आपने किसी और जगह पर खाया हो तो गाइस हम वहाँ पर जरूर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपन। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हम लेकर आ चुके हैं आपके सामने आंटी का पास्ता। ये आंटी जी ने थोड़ी सी गाइस में चीनी डाली है, ऊपर आप देख सकते हैं ये चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो ऑलरेडी डला हुआ है। और ये गाइस ये शायद टाटा सोल्ट है, ये हाँ टाटा सोल्ट नमक इन्होंने इसमें डाला है। आप क्वांटिटी देख सकते हैं एक बार पास्ता की। और ये पेने पास्ता है, लंबे थे पास्ते, एक्चुअल में लंबे थे, छोटे वाले पेने पास्ता नहीं था। और अब ये शायद आंटी जी के हाथ में मैगिन मसाला के सैशे हैं, ये जो अलग से आपको मिलते हैं 5-5 रुपए के गाइस, ये सैशे आते हैं। अब शायद ये डलेंगे इसके ऊपर, ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों ये जा चुके हैं अपने सैशे, बिल्कुल एकदम देख रहा है कितना भर भर के मसाला ऊपर आपको तैरता हुआ दिखेगा बिल्कुल। अभी तो देखो गाइस थोड़ा सा येलो येलो दिख रहा है, बाकी आगे देखते हैं इसको स्पाइसी बनाने के लिए हमारी आंटी जी क्या डालेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल एक तरीके से हमें लग रहा है ये देसी स्टाइल पास्ता हमें मिलने वाला है। ये देखिए गाइस लाल लाल चटनी, बिल्कुल लाल खूंखार, ये मोमोज की चटनी है एकदम। आप ये कह सकते हैं फेरी पास्ता बनने जा रहा है ये अपना। तो ये देखिए दोस्तों इसमें शिमला मिर्च भी डलेगी अपनी, एक शिमला मिर्च दिख रही है हमें ये, बाकी देखते हैं इसमें एक शिमला मिर्च डलेगी, एक से ज़्यादा डलेगी हमें पता नहीं है, देखते हैं। चलो फ्रेशली एकदम चॉप्ड कर रही हैं बिल्कुल आंटी जी अच्छे तरीके से। जी हाँ दोस्तों, ये जितना हमें लग रहा है ये एक ही शिमला मिर्च डलेगी इतने सारे पास्ता में। देखिए जो कि हमें लग तो कम रही है, हमें उम्मीद है कि और डलनी चाहिए थी इसमें, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब ये देखिए गाइस दोनों कड़चियों को पकड़ के, ये देखिए गाइस आंटी अब बना रही है ये पास्ता। ये सारे से मसाले जितने भी थे वो सब डल चुके हैं, अब ये बस मिक्सिंग होगी पास्ता की। और नीचे जैसे कि आपको पता ही होगा गाइस चूल्हे पे रखा हुआ है तो लग रही आग पास्ता में भी आग लगती हुई दिखी रही है हमें, इतना लाल लाल पास्ता हमने ऊपर ही देख लिया था, कितनी लाल लाल इन्होंने मोमोज की चटनी डाली थी। देखिए गाइस धीरे धीरे जैसे जैसे आंटी इसको मिक्स करते जा रही हैं वैसे वैसे गाइस इसका कलर बदलता जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या बात है, क्या बात है, ओहो हो हो भाई वाह क्या बात है, देख सकते हैं गाइस आप कितना लाल पास्ता दिख रहा है। ये स्पाइस अच्छा बिल्कुल हमें उम्मीद है और लग भी रहा है कि स्पाइस इसमें एकदम ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं गाइस थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ से दिखाएं तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो मसाला है वो ऊपर की तरफ रह रहा है, शायद मिक्सिबिलिटी अभी अच्छे से पूरी हुई नहीं है, देखते हैं बाकी आगे। सब कहते थे दोस्तों कि आंटी का पास्ता खाया क्या, आंटी का पास्ता खाया क्या, आप तो फूड व्लॉगर हो, आप फूड ब्लॉगर भी हो। हमने कहा भाई हमने आज तक नहीं खाया, तो स्पेशल हमारे फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन पे हम आंटी का पास्ता खाने आए। आप देखिए अब हुआ अच्छी तरीके से मिक्स हो गाइस,
ये देखिए पास्ता, वाह भाई वाह, कितना लाल पास्ता, वाह भाई देखिए मज़ा आ रहा है बिल्कुल हमें तो देख के। होपफुली खा के भी मज़ा आएगा क्योंकि खुशबू देखो बहुत अच्छी आ रही है हमें। बाकी चलिए देखते हैं आगे और इसमें क्या डलेगा या सिर्फ इतना ही है, चलिए देखते हैं। जैसे गाइस चप्पू से नहीं चलाते, आप किसी नाव में बैठे हो और आपको दोनों हाथ से कंपटीशन कर रहे हो चप्पू चला रहे हो वैसे ही हमें लग रहा है। हम देखो मजाक नहीं उड़ा रहे लेकिन हमें वो फील आई तो बस हमने सोचा वो एक थोड़ा सा किस्सा शेयर कर ले आप लोगों के साथ। रंगत देखिए दोस्तों, है नहीं चीज़ है ना, मतलब देसी स्टाइल पास्ता, मतलब क्या ही बोलूँ, स्ट्रीट फूड देसी स्टाइल पास्ता कुछ भी कह लीजिए। अब कितना ही अपने देखो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट या होटल्स में पास्ता खा लो लेकिन स्ट्रीट साइड और देसी चीज़ की ना मतलब तोबा तोबा बात ही अलग होती है और उनका तो देखो टेस्ट भी वैसे नहीं आ रहा ही होता है। और गाइस हम एक प्लेट लेंगे पूरा आंटी जी का हमारा पास्ता पास्ता पास्ता। हमारे अंदर थी दोस्तों देखो एक आस्था कि हम एक दिन ज़रूर खाएंगे आंटी का पास्ता। शेयर अच्छा लगा हो तो बाय बाय ज़रूर दीजिएगा, कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ खाने की आपके लिए। तो गाइज ये बस मिक्सिंग हो चुकी है इसकी अच्छे तरीके से, जितना में लग रहा है ये बस ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म। तो चलिए बस अपनी प्लेट लगने जा रही है। ये लीजिए दोस्तों ये लग गया अपना पास्ता। क्वांटिटी देख सकते हैं आप, क्वांटिटी से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। और ये शायद गाइस ऊपर मेयोनीज डली है, काफ़ी पतली लग रही है हमें मेयोनीज। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो का पेस्ट डला और ये देखिए हो गया अपना पास्ता तैयार। चलिए अब इसकी टेस्टिंग बताते हैं आपको। तो दोस्तों अपना आंटी का पास्ता लग चुका है, एकदम स्ट्रीट साइड देसी स्टाइल पास्ता है अपना। चलिए अब टेस्ट करते हैं, नाम इतना सुना हुआ है तो एक बार टेस्ट भी बताते हैं आपको। गाइस आप देखिए एक बार ये डला है गाइज, ये अपनी मेयोनीज है, थोड़ी सी हमें पतली लगी यहाँ पर मेयोनीज। और आप ये देखेंगे इसमें चिली फ्लेक्स डले हुए हैं और ये सीजनिंग भी है और गाइज़ शिमला मिर्च भी थी इसमें, अब तो लेकिन क्वांटिटी कम थी हमें नहीं पता हमारे में आई है नहीं आई है। तो चलिए कोई नहीं एक बार टेस्ट करते हैं इसको। वन टाइम ईट के लिए गाइस मैं ये चीज़ कहूँगा पास्ता आप ये खा सकते हैं लेकिन जो मसाले हैं ना वो अच्छी तरीके से ना हर पास्ता की जो स्लाइसेस होती है आप ये जो भी कहें इन सब में इक्वली नहीं गए हुए क्योंकि एक तो इतना बल्क में गाइस ये पास्ता बना है और कढ़ाई भी आपने जगह भी देखी थी छोटी सी जगह है लेकिन एक बार खाने के लिए चीज़ जेन्युइनली अच्छी है। हम बुराई नहीं कर रहे इस चीज़ की लेकिन पास्ता से हमारी उम्मीदें क्या होती है, थोड़ा स्पाइसी हो, मेयोनीज थोड़ी गाढ़ी हो इसमें। लेकिन गाइस स्ट्रीट साइड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 8/10 मैं इसको रेटिंग दूंगा। आप ये नहीं है कि यहाँ पर आके नहीं खा सकते, आप बिल्कुल यहाँ पर आके खा सकते हैं। और आप देखेंगे गाइस इनकी दो शॉप हैं और आपको एक बार भीड़ भी दिखाता हूँ मैं, आप देखिए एक बार। एक तो गाइस उस साइड ये देखिए आप, ये जहाँ पर ये छतरी सी खुल रही है गाइस यहाँ पर आप एक बार भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये इनकी दूसरी शॉप है और गाइस आप ये पहली शॉप यहाँ पर देखिए, ये आंटी आपको पास्ता बनाते हुए बिल्कुल दिख जाएंगी। और गाइस आप यहाँ पर भी एक बार भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों हम रिकमेंड करेंगे कि मंडे टू संडे शॉप खुली रहती है, अगर आप करोलबाग साइड हो तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। गाइज लोकेशन प्राइसिंग सब कुछ हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हम चलिए इतने अब ये फुल प्लेट लिया था, हम इसको फिनिश करते हैं और मिलते हैं हम आपसे हमारे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।